लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस दौर में इंसान को इंसानियत की कद्र करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पैसों के पीछे भागना चाहिए। अरे जल्दी चलो, जल्दी, इमरजेंसी है। सुबह सुबह कहाँ फंस गया? इसमें जितना सुकून है उतना किसी में नहीं। लगता है शहर में गर्मी कुछ ज्यादा है। क्यों भाई, तुम इतनी दूर से यहाँ सिर्फ हल्के होने आए थे क्या? बाय बाय बाय। तू बोनी पे ऐसा गिरा, एक मिला है, पूरा दिन खराब हो गया। ऑटो वाले, तुझे पता नहीं तेरा किससे पाला पड़ा है। अरे ये तो यहाँ है। मुझे तो लगा था कि इसके साथ कोई और भी होगा। ये अकेले कैसे खेल रहा है? Yes, I won the game. दोस्त, मैं जीत गया। कितना पसीना तुझे? मैं जीत गया दोस्त। बकवास बंद कर।
मुझे तो लगा तू शहर आके बड़ा काम कर रहा होगा, पर यहाँ तो महाशय अकेले ही चेस खेले जा रहे हैं। अरे अकेले अकेले भी कोई चेस खेलता है क्या? अरे मेरे लाल, देख अगर इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना है ना, तो पहले सामने वाले के दिमाग को पढ़ो, समझ रहा है ना? और इसके लिए सामने वाले की तरह सोचो, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम चेस नहीं सीख जाते, और मैं इसी की प्रैक्टिस कर रहा था। समझ गया ना? समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। क्या समझा बोल? यही कि खाना कोई भी बनाए पहले अपनी पेट पूजा होनी चाहिए। मैं चला। मतलब इंटरव्यू के लिए? लेकिन इसके पहले वाली कंपनी का क्या हुआ? जलकर राख हो गई। जल्दी आना, रात को साथ में खाना खाएंगे। मिस्टर मनोहर? यस। प्लीज कम इन। सो यू आर मनोहर? यस सर। तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। पर तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी बैड है। सो? हाँ, किसी भी कंपनी में एक साल से ज्यादा नहीं टिके। यू आर जस्ट जंपिंग हियर एंड देयर। सर, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। यू मीन स्टोरी? रियल स्टोरी सर। हाँ तो बताओ मुझे, कहानी सुनने का बड़ा शौक है मुझे, कम ऑन टेल मी। सर एक्चुअली बचपन में ना मुझसे भी बड़ी मेरी हाफ पैंट हुआ करती थी, और बच्चे मेरी हाफ पैंट और मेरी हाइट का मजाक उड़ाते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर एक दिन पीटी के सर ने आकर मुझसे कहा, बेटा मनोहर अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो जंपिंग करना शुरू करो, सक्सेस मिल जाएगी। और तब से लेकर आज तक सर मैं दिन रात जंपिंग कर रहा हूँ, और जंपिंग करते करते आज देखिए मेरी, सर वन सेकेंड, मेरी हाइट 6 feet हो गई है। तब समझ में आया जंपिंग करने से लाइफ में सक्सेस मिलेगी। यही फॉर्मूला फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ट्राई किया, इसीलिए यहाँ से वहाँ कंपनी चेंज करता रहा। लेकिन बाद में समझ आया ऐसा करने से सिर्फ कंपनीज की लिस्ट ही बढ़ती रहेगी, और फिर इसीलिए पिछली कंपनी में मैंने मन लगाकर पूरे 1 साल तक काम किया। लेकिन इसमें तो लिखा है कि तुमने कंपनी 9 महीने में ही छोड़ दी। सर मैंने मन लगाकर काम किया था, लेकिन कंपनी ही डूब गई तो मैं क्या करूं? करेक्ट करेक्ट। इसीलिए सर मैं ये सोच कर आया हूं कि इस कंपनी में मैं मिस्टर परफेक्ट की तरह काम करूंगा। आप मुझे अपनी कंपनी में लेते हैं तो इसमें आप ही का फायदा है, वरना मेरी जैसी गलती आपसे भी हो सकती है। मैं गलती क्यों करूंगा? You are selected. Thank you, sir. Thank you very much. पर आधे घंटे के लिए रुकना होगा। क्यों सर? Appointment letter type जो करना है। Thank you, sir. Thank you very much. Good luck. Thanks. क्यों दोस्त, सेलेक्ट हो जाओगे ना? हाँ शायद हो जाऊँ। मतलब तुम भी मेरी तरह बेरोजगार हो? सुना है कि नीचे के फ्लोर पर स्पॉट इंटरव्यू हो रहे हैं, यहाँ 50,000 है, वहाँ 75,000 रुपए तक की सैलरी है। तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। दोस्त ये किस खुशी में? मुझे नौकरी मिल गई। सैलरी कितनी है तेरी? तो ये देख। बाप रे बाप, 50,000! सच में तुम ग्रेट हो भाई। ये भी देख। एक और नौकरी? मैं मान गया, चेस खेलने से फायदा होता है। 75,000 रुपीस, मतलब 75,000 रुपए। क्या हुआ भाई? इसमें तो नाइट शिफ्ट लिखा है। हाँ तो नाइट शिफ्ट है। इंसान को सुबह काम करना चाहिए और रात को सोना चाहिए। अगर ऐसे ही नाइट शिफ्ट करते रहे तो 25 साल में ही तुम बुढ़े हो जाओगे। अरे नाइट शिफ्ट के 25,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दोस्त। अरे 25,000 रुपए के लिए क्या तुम अपनी सेहत बिगाड़ लोगे? एक बार फिर से सोच लो। नाइट डे। हटना। ए, चल निकल। ए, हट।
अरे दोस्त, मुझे लगता है तुम गलती कर रहे हो। और वैसे भी दो कंपनी में एक साथ कैसे काम करोगे? पता चला तो पक्का जेल जाओगे। मेरे भाई, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है पैसा। इसका मतलब पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगे? बिना कुछ किए पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा करके शायद हम गलती कर रहे हैं। टूटे ना टूटे ना, रिस्क है ना, रिस्क है ना, कैसा तुम बोलो, जानो और तोलो, राइट रॉन्ग को ये करो चेक यारो, कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग कर लो, कंफ्यूशन पार कर ले, डिफिकल्ट टाइम आ गया जो स्टाइल में तू दूर कर ले, चल 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 रे चल चल, मंजिल दूर नहीं, चल तू हमेशा, हल चल दूर नहीं, देख टारगेट है यही, चल चल रे चल चल, मंजिल दूर नहीं, ये हल चल दूर नहीं, देख टारगेट है यही। आँखों में है सपना, एक सपना है मेरा, आँखों में है सपना, एक सपना है मेरा, नींदों में मत सोना, सपना तू मत खोना, आएगा ना लौट के वक्त ये अगर गया, वक्त ही मानी है टाइम, खोना नहीं खोना नहीं, वक्त जो गया तो रोने का साउंड, आ रोना नहीं, चल 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 रे चल चल, मंजिल दूर नहीं, ये हल चल दूर नहीं, देख टारगेट है यही, चल चल रे चल चल, मंजिल दूर नहीं, चल तू हमेशा, हल चल दूर नहीं, देख टारगेट है यही। ये आयो आयो रामा, ये कैसा ट्रैफिक जैमा, किसके लिए करता है तू ड्रामा, कल तू राजीनामा, बंद करो हंगामा, समझो मेरे मामा, समझा नहीं तो आईमा, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करो, सब कुछ तेरा ही होगा, ये सारा जग है तेरा, जमीन से लेकर आसमां, लक्ष में अपने डट जा तू, अपनी नजर लक्ष पे जमा, सपनों के लिए सोना तू, जग जा खुद इस जग को जगा, टाइम की तूने कदर जो न की, पछताएगा मैन पछताएगा, इसकी कदर जिस जिसने ना की, उसकी तो लग गई, की तो लग गई, चल 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 रे चल चल, मंजिल दूर नहीं, हल चल दूर नहीं, देख टारगेट है यही, चल चल रे चल चल, मंजिल दूर नहीं, baby check me out, हल चल दूर नहीं, देख टारगेट है यही, what to get down, do 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 do
अरे बाप रे, ये तो एमडी सर। बोलिए सर। और मिस्टर सुरेश ड्राइवर, क्या कर रहे हो? आपका ही काम कर रहा हूँ सर। आज हमारी कंपनी का इंडक्शन डे है, तो तुम जरा ध्यान से काम करना, समझ गए? हाँ बिल्कुल सर। जरा स्पीकर ऑन करना। करता हूँ सर। वहाँ पर सारी कुर्सियाँ सीट में होनी चाहिए। हाँ रख दूंगा सर। टेबल पर सारी वाटर बॉटल्स को राउंड में रखवा देना, ठीक है? हाँ, रखवा दूंगा सर। उसी तरह सारी फाइल्स को अपने बाई तरफ रखना। ऐसा ही करूंगा सर। और कुछ नहीं करना है, आज पहला दिन है तो मैं चाहता हूँ कि सबके सामने हमारी कंपनी का इम्प्रेशन बढ़े। ऐसा ही होगा सर। अभी घड़ी में 9:30 बज चुके हैं। 10 बजे तक सारे आ जाएंगे। तब तक तुम्हें सारे काम खत्म करने हैं। 15 मिनट में सब हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 15 मिनट में कर लोगे? यस सर। दैट इज ग्रेट मैन। सर वो मेरा प्रमोशन। प्रमोशन के नाम पर फोन कट कर देता है, पर गधे की तरह काम करवाता है। सर आप महान है, बॉस जो कहना चाहते हैं वो आप पहले ही कर लेते हैं। 10 साल से इस कंपनी में हूँ, कंपनी के बॉस के बारे में सब जानता हूँ। ए तू अपना काम करेगा? ठीक है सर। काम चोर कहीं का। आइए आइए आइए, सब ठीक है ना? सब ठीक है ना सर? ओके ओके। यहाँ तो सबकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं, एक मैं ही हूँ जिसे कोई टेंशन ही नहीं है। आपके बाइसेप्स 15 है क्या? 18। बाप रे। अच्छा कंपनी के कंप्यूटर में कीबोर्ड्स होते हैं क्या? होते हैं तो उसके इस्तेमाल के लिए इतनी बड़ी बॉडी? इस दुनिया में किसी की लाइफ की शुरुआत लड़की और लाइफ का एंड भी लड़की से ही होता है। मुंह बंद करेगा। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग, आई एम रति, एचआर ऑफ दिस कंपनी। रति, ये भी कोई नाम है? किसी फिल्म एक्ट्रेस का नाम लगता है। एक्सक्यूज मी, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये नाम किसी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस का लगता है? सच कहा ना? मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम आरती रखा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने अपना नाम रति रख लिया। अच्छा नहीं है? सुपर। तुम भी अपनी पसंद से नाम रख सकते हो। मेरा नाम रितिक है। पर ये नाम तो लिस्ट में नहीं है। दरअसल मेरा पूरा नाम रामदयाल शंकर दयाल शर्मा है, बस अभी मैंने अपना नाम बदल कर रितिक रख लिया। बड़े बड़े बड़े। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू आवर सन सॉल्यूशंस। आप सब लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं ना? यस सर। आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल। गाय दूध देती है और मुर्गी अंडे, दूध और अंडे साथ में कौन देता है? तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। डार्विन के लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब किसी को नहीं पता है? सर कमॉन, दुकान पर जाओगे तो कोई भी दे देगा। दैट्स द राइट आंसर। जीने के लिए साइंस चाहिए और आगे बढ़ने के लिए सेंस चाहिए। I like your sense of humor. सर, मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर की कोई कमी नहीं है सर। क्या कहा? आपके किसी भी सवाल का जवाब मैं कविता के रूप में दे सकता हूँ सर। Oh, that's good. Come on, tell me. Yeah, sure. चलिए बताइए सर, किस पर लिखनी है कविता? एक काम करो, इस कंप्यूटर पर लिखो। ये इस पर क्या बकवास लिख रहा है? क्या कर रहा है? I like your sense of humor. Thank you, sir. वेटर इन्हें पानी पिलाओ। आप ही से कह रहे हैं? क्या कहा इनसे? पानी। ये कौन है तुम्हें पता है? वेटर। वेटर। ये कोई वेटर नहीं है, हमारी कंपनी में सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है। सॉरी सर, सॉरी। क्या सुरेश, तुम इन सबसे नहीं मिले? सर आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। By the way, here's Mr. Suresh. सर मुझे सब पता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दूंगा। आई एम सुरेश ड्राइवर। ड्राइवर? हमारे गांव में हमारे दादाजी पहले ट्रक ड्राइवर थे। उसके बाद मेरे पिताजी बने टैक्सी ड्राइवर, उसके बाद मैं बना स्क्रू ड्राइवर। अपनी औकात इन्हें भी पता चल गई। वेलकम वंस अगेन टू सन सॉल्यूशंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू सर। इन सबको हमारे ऑफिस स्टाफ से मिलवा देना। ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ब्रदर, इसकी शक्ल देखकर क्या लगता है तुम्हें? क्यों, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि पिछले 10 साल से ये इसी कंपनी में है। उसको देखकर लगता है कि यहाँ काम ज्यादा और प्रमोशन कम है। एवरीवन प्लीज कम, दिस इज वेयर आई मीन
आप लोग यहाँ काम करोगे। क्यों, आप नहीं करोगे? किसी का मजाक उड़ाने के लिए कोई क्लासरूम नहीं है, ये एक कंपनी है, समझे? हाँ, समझ गए। गुड। इस कंपनी में अगर काम स्मूथली करना चाहते हो तो कुछ काम करना है तो कुछ नहीं। पहले जो काम नहीं करना है वो है बेटिंग। बेटिंग? जी हाँ, बेटिंग। वो रहे बेटिंग ब्रदर्स, एलियास बेटिंग ब्रोस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओफो, ये शुरू होते होते कहीं गेम ना खत्म हो जाए। तुम्हारा कितना मुनाफा हुआ? सिर्फ 50,000 रुपए। मुझे भी उतना ही हुआ। एक फाइनल बेट लगाते हैं। मतलब? देखना ड्राइवर बाहर जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं जाएगा। तो लग गई। ड्राइवर को बाहर मत जाने दो। अरे ये क्या कर रहे? अरे मुझे क्यों पकड़ रहे? छोड़ो मुझे। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अरे ये बैटिंग तुम सब मुझ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? प्लीज सबसे कहता हूँ छोड़ दो मुझे। छोड़ो ना। यही तुम्हें फॉलो नहीं करना। तो फॉलो किसे करना है? फॉलो मी। चलो। यही है तुम्हारा टीम लीडर। इसका नाम है पीके। इससे जरा संभल कर रहना। इसका नाम है आरके। इससे ज्यादा संभल कर रहना। सुरेश भाई साहब, आपको इस कंपनी में 10 साल का एक्सपीरियंस है। दिखने में तो वो आपसे भी जवान लग रहे हैं, तो फिर वो कैसे टीम लीडर बन गए? वेरी सिंपल। उसके पीछे जबरदस्त फ्लैशबैक है। और इसके? इसकी तकदीर बहुत अच्छी है। क्या सुरेश साहब, ऑफिस का काम छोड़ दिया, टाइम पास कर रहे हो? ऐसा नहीं सर। हाँ, क्या नहीं है? रति? यस सर। टेक केयर। श्योर। ये कब किस पर चिढ़ता है और किसकी उतारता है ये किसी को पता नहीं होता। आप दोनों आपस में सॉल्व करो। ये किसी है ना कोंडा से कम नहीं है। प्लीज कम गाइस। वाह, बहुत खूबसूरत है। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। सतपाल? यस मैडम। ये है सतपाल सिंह। हाय। ऑर्डर करते ही ये आपको गर्मा गर्म खाना देगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएंगी। अच्छा, क्या कोल्ड ड्रिंक भी? हाँ, हे, गर्मा गर्म कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। रिमेम्बर वन इम्पोर्टेंट थिंग गाइज, हमारे नीचे जो लुनार कंपनी है उनका कैफेटेरिया भी यही है। वो कंपनी नाइट शिफ्ट में काम करती है, मतलब वो होंगे हम नहीं होंगे, हम होंगे वो नहीं होंगे। और एक जरूरी बात गाइज, ये रेड चेयर्स हमारी कंपनी की हैं और ये येलो उनकी कंपनी की हैं। तो हमेशा रेड चेयर से यूज करना। यहाँ भी कंफ्यूजन, इतने रूल्स कौन फॉलो करेगा? मैं फॉलो करूंगा। रेड चेयर पर बैठोगे तो बिल तुम्हारी कंपनी को जाएगा, अगर येलो चेयर पर बैठोगे तो बिल नीचे वाली कंपनी को जाएगा। और अगर किसी ने नीचे बैठकर खाया तो बिल तुम्हारे सर पर फटेगा। ठीक है, समझ गया। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तुम जैसे लोग यहाँ बहुत आए और चले भी गए। डे शिफ्ट में रात वाले नहीं रहेंगे और रात के शिफ्ट में डे वाले। वाह, लेकिन ये शेफ तो रहेगा, अब क्या करूं? अब बताता हूं। कैसी लगी मैडम? एकदम कातिल है सर। और अगर सामने आई तो क्या करोगे? दूरी रहूंगा। हाय मनोहर। हाय। देखो दोस्त, यहाँ इस कंपनी में एक तुम ही क्वालिफाइड और समझदार आदमी हो जिससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ। मानता हूँ तुम मेरी तरह इंटेलिजेंट तो नहीं हो, पर दोस्ती निभाने के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना। अच्छा, तो वो आप ही थे जो कह रहे थे कि 10 सेकंड में किसी पर भी कविता लिख सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स। कम ऑन, बोलो किस पर लिखनी है? इस टेबल पर लिखनी है? इस पर भी लिख सकता हूँ। तो उस आग पर लिखकर बताओ। हाँ? या फिर पानी पर लिखकर बताओ। बॉस, मैं समझ गया, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, पर मैंने कहा ना दोस्ती में कुछ कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना। कम गाइस, लेट्स मेक अ मूव। बाय द वे, दीज आर आवर कंपनी कैब्स, यही आपको पिकअप और ड्रॉप करेंगी। ओके ओके, आ जाओ दोस्त। सी यू ऑल टुमारो। और दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? वीवी विनायक सर। वीवी विनायक? ये किसी फिल्म डायरेक्टर का नाम है ना? मेरा नाम तो सिर्फ नायक है। बड़ा डायरेक्टर बनूंगा घर वाले सोचते थे, पर आज टैक्सी ड्राइवर बना हूं। हां, अच्छा। लेकिन इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, चोपड़ा है, कपूर है, फिर भी वीवी विनायक ही क्यों? सर, वीवी विनायक की तो बात ही कुछ और है। अब तो गया। Thank you.
जवाब नहीं। ए! हाँ, सुन ले, माँ की कसम खाता हूँ तुझे बर्बाद कर दूंगा। ए! ए! आवाज निकाली तो यही गला काट डालूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे दोस्त, सीटी तुम्हारे लिए नहीं, उनके हिट डायलॉग के लिए थी। इसलिए सर, मैंने भी उनकी तरह ना एक कहानी लिखी है। अच्छा? हाँ। अरे वाह, तो फिर बताओ। एक मिनट सर, भगवान मदद करना। सर, फ्रेम ओपन करते ही दो लॉरीज हैं, वो दो लॉरीज आपस में टकरा जाती हैं। सामने 10 सुपर होकर आसमान से नीचे लैंड करते हैं। उसके बाद सॉरी दिशु दिशु बताएं सर। अरे बाप, हीरो एक कहां से आ गए, सुपर हीरो की तरह शाइन करता है सर। और उसके बाद वो क्यों आकर रोक, और उसके बाद पिंटर बन गए। ये क्या सर, आपने मुझे रोक क्यों दिया? पता नहीं था ना तुम्हारी फिल्म में इतना एक्शन होगा। आजकल एक्शन फिल्में ही अच्छी चलती है सर, मेरी भी हिट होगी। तेरी? ओ काम का पहला दिन कैसा रहा? अरे फर्स्ट हाफ ऐसा था तो सेकंड हाफ कैसा होगा? हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। क्या कंपनी की कार आ गई? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। उसके बाद कैमरे को यूं पैन करके सीधे हीरोइन की तरफ लेना है। अरे यार ये तो वापस आ गया, लगता है दोनों कंपनी के लिए एक ही गाड़ी है। जाकर देखता हूँ। फिर लॉन्ग शॉट से हीरोइन भाग कर आएगी और सीधे आकर हीरो को गले लग जाएगी, और उसके बाद सीधा। अरे ओ डायरेक्टर, डायरेक्शन बाद में करना, पहले गाड़ी निकाल। चल सर, चल सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे पहले बैठ, बाद में सवाल करना। आजा आजा आजा, चल। क्या कहूँ अभी से सर, आप लूनार कंपनी के एम्प्लॉय का इंतजार कर रहे हो? वो मैं ही हूँ। क्या मुसीबत है पता नहीं, पर थोड़ी देर पहले देखो। आप चुप रहो, यही सोच रहे हो ना कि एक इंसान दो कंपनियों में कैसे काम कर रहा है। गाड़ी चलाओ, बताता हूँ क्या मुसीबत है। मेरा सर तो चकरा रहा है। चलो तो सही। अब इसे कैसे समझाऊं? हाँ आइडिया। अच्छा ये फोन तुम्हारा ही है ना? हाँ सर मेरा ही है। ड्यूअल सिम है? हाँ सर ड्यूअल सिम है। अगर तुम एक फोन में दो सिम रख सकते हो तो फिर मैं दो कंपनी में काम क्यों नहीं कर सकता? बात तो सही है, पर सर आप दोनों कंपनीज को कैसे मैनेज कर पाएंगे? जरा सोचो, अगर बिग भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या तुम्हें ऐतराज़ होगा? सर ठीक है ठीक है, एक जूनियर आर्टिस्ट जो प्रोड्यूसर है वो स्टार ऑफ द मिलेनियम के साथ फिल्म बनाना चाहता है, तो तुम उसे स्टोरी सुनाओगे या मेरे बारे में कंपनी में कंप्लेंट करोगे? कंप्लेंट क्यों करूंगा, मैं तो उन्हें स्टोरी सुनाऊंगा सर। हाँ स्मार्ट बॉय। सर उस प्रोड्यूसर का नंबर दे देते तो। हाँ दे दूंगा दे दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सर। भगवान तेरी लीला जारी है। सर उस प्रोड्यूसर का नंबर लिखो। 444-68291। थैंक यू सर, जरूर करना। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मनोहर है, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल देंगे प्लीज? हेलो, आप दरवाजा खोल देंगे ताकि मैं अंदर जा सकूं? चल। अरे अरे बाहर चल। देखिए दरवाजा खोलिए पहले आप। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नया हूँ, मेरे पास स्टार्ट नहीं है। मैंने कहा ना बाहर चल। तो सुनिए बाहर चल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्यों बेटा नए एम्प्लॉय हो? हाँ सर, माय नेम इज मनोहर। आई एम दंडपानी, एमडी ऑफ दिस कंपनी। मुझे पता है सर। गुड गुड गुड, कम। बुरा मत मानना, हमारा ये गार्ड बहुत स्ट्रिक्ट है। ओपन द डोर। कम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अब्बास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे नहीं सर, ही इज मिस्टर मनोहर। यस सर, हमारा नया एम्प्लॉय है। हां प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ओके सर, गुड लक। ओके थैंक यू सर। Nice to meet you. Same here. हेलो सर, मनोहर जी ने आपका नंबर दिया। हाँ तो सुना है आप बिग बी के साथ एक फिल्म बना रहे हैं।
किसे बताया? मनोहर जी ने बताया। तो फिर ठीक है। सर मेरे पास एक अति अद्भुत अविश्वसनीय और क्या कहूँ एक अकल्पनीय कहानी है सर। सच में? हाँ सर। सर एक मिनट अभी बताता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ध्यान से सुनिएगा सर। हाँ हमारी फ्रेम ओपन होनी है। और ब्लास्ट। अरे बाप रे बहुत टाइम हो गया। इट्स मी। ये कंपनी एक्सेस कार्ड है। ओह ओके। एक काम करते हैं नाश्ते के लिए कैंटीन में चलते हैं वरना क्या होता है ना मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती अच्छा, है। अच्छा ओके। हाँ मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ उसके बाद चलते हैं। ओके ओके। जस्ट टू मिनट्स। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। ए, हाँ, सुबह का जो बचा है वो अभी के खाने में एडजस्ट कर दो। सब तैयार है ना? हाँ। ये इस वक्त मनोहर मनोहर ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? समझ गया। उस कंपनी का आदमी यहाँ इस वक्त आ रहा है मतलब दाल में कुछ काला है। अभी बताता हूँ। ऐसे गोल गोल घूमने से हवा पास ना हो जाए। खड़े रहो हिलना बंद करो। अरे एग्जॉस्ट चालू कर वरना मर जाएंगे। पता नहीं क्या खा कर आते। कितना सुकून मिलता है। ये कहाँ चला गया? अच्छा सुनो तुम तो सन कंपनी के थे यहाँ लूनर कंपनी में कैसे आ गए? देखो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। देखो मेरे दोस्त जरा सोच कर बताओ कि तुम्हें चाकू चाहिए या लड़की। लड़की? नहीं हाथ से खून निकलेगा। मेरे दोस्त चाकू ऐसे पकड़ोगे तो खून निकलेगा ही। हैंडल पकड़ना सीखो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और इस हैंडल को कैसे पकड़ना है मुझे पता है। ठीक है ना? ठीक है। अगर इस सच का किसी को भी पता चला तो लड़की भूल जाओ। इस चाकू से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और नदी में डाल दूंगा। हाँ पकड़ो। समझ गया। अच्छा सुनो मुझे एक अर्जेंट काम आ गया तो हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके बाय। तो तुम्हारा नाश्ता तो मैं ही खा लेता हूँ। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट नेक्स्ट? गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ मनोहर अचानक की छींक कैसी? कुछ नहीं सर एसी की वजह से थोड़ी सी सर्दी हो गई है। चलो चलो टेक केयर बेटा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आज ऑफिस में सबसे पहले आ गया। इतने सारे एक साथ कैसे आ गए? हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। आज सबसे पहले जो ऑफिस आया है उसे बॉस की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। ये हमारे एमडी की ओर से पर्सनल गिफ्ट है। तो आपको पता है ये गिफ्ट किसे मिलने वाला है? मुझे ही मिलेगा। एंड दैट लकी पर्सन इज नंदू। और कौन? मिस्टर मनोहर। कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है। यस 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 मिस्टर मनोहर कम कम। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गिफ्ट खोलकर सबको दिखाइए मिस्टर मनोहर। हाँ वाओ इट्स अ डिजिटल वॉच। खूबसूरत है। जो टाइम पर आते उन्हें वॉच की क्या जरूरत है? एक स्पेशल वॉच है। अगर अलार्म सेट करके इसे अपने हाथ में पहने तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और इसका वाइब्रेशन इतना शानदार होता है कि आदमी कितनी भी गहरी नींद में हो वो तुरंत उठ जाता है। मुर्दे को भी उठाता है क्या? सो ही इज अ लकी मैन। टेक इट।
देखा तुमने, कंपनी में दो दिन काम किया है और हाथ में रिस्ट वॉच मिल गई। मैं कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे एक वॉल क्लॉक तक नहीं मिली। इस कंपनी से मनोहर को फंसा कर बाहर निकालना होगा। हाँ हाँ, उसे जरूर बाहर निकालेंगे। अरे देखो आ गया। हाय मनोहर। हाय बॉस। अरे मनोहर हाय। हाय सुनो, आज अपना मनोहर किसी भी हालत में उस लड़की को आई लव यू कहेगा। ये रही मेरी शर्त। मनोहर उस लड़की को जाकर आई लव यू कहेगा? कभी भी नहीं कह पाएगा। ये रहे मेरे 2000। नहीं कहेगा इसलिए 2000 की शर्त लगा रहे हो? ये रहे मेरे 10,000। तुम ही 10,000 की लगाओ। मनोहर तुम जाकर उस लड़की को आई लव यू कहो। मुझे पता है तुम रियल हीरो हो। जाओ। सच में? तो सारे पैसे तुम्हारे होंगे। सच में मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तुम नहीं कह पाओगे। I love you. You idiot, stupid, you fool! कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत करो? मैं सॉरी बोल चुकी हूँ, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो? You. गुड। मेरी कंपनी में टीम लीडर की पोस्ट के लिए तुम्हें सेलेक्ट किया है। थैंक यू सर। सो डू वेल। श्योर सर, आई विल गिव माय बेस्ट। तो कल रात से ही तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। ओके सर, थैंक यू। गुड लक। रति। यस सर। मैं 2 दिन ऑफिस में नहीं रहूंगा। ओके। तो ऑफिस जरा ठीक से संभाल। श्योर। सी यू। मिस्टर मनोहर। यस सर। मिस्टर मनोहर बोलिए सर। ये क्या है, वहाँ अंदर क्या ढूंढ रहे हो? एक इम्पोर्टेंट चीज नीचे गिर गई है सर। ओ, व्हाट्स दैट एग्जैक्टली? है कोई इम्पोर्टेंट चीज सर, शायद वो आपकी हो। अरे नहीं तो। नो मनोहर, आई से गेट अप। नो सर। कम आउट आई से। नो सर। बोल तो रहा हूँ मनोहर, प्लीज कम आउट। अब तो उठना ही पड़ेगा। गेट अप। ओके, अटेंशन एवरीबॉडी, She's Sheila. Hi. Your Hi. new team Hello. leader. Hi. Hello. Hi. Okay. Ye Manohar. Aur ye Abbas. Hi. Hello. Achha, Manohar, niche tumhari koi important cheez gir gayi thi na, wo tumhe mil gayi? Mili na sir. What is that? Kya hai wo? Open it. Manohar, what is this? Sir, actually office ki har cheez important hai na, isiliye main okay, okay, sit down. Okay. Chalo carry on. Okay. मिस्टर मनोहर, कम टू कॉन्फ्रेंस रूम इमीडिएटली। अब ये नहीं छोड़ेगी। तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गए ना, जान से मार दूंगी। शीला तुम मुझे गलत समझ रही हो, और वैसे भी ये ऑफिस मैंने तुमसे पहले ज्वाइन किया। वही तो, इसलिए बच गए। इससे पहले कि तुम कोई और हरकत करो, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, बी केयरफुल। अगर यहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम समझ जाना मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ। ओके ओके फाइन।
ये कैसी बदबू है? मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया आपको? इससे पहले भी तुम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ है? कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। वही तो पूछ रहा हूँ, बताओगे क्या हुआ है? तुम ही बता दो ना। आपको पता चल गया है ना? पता तो चल गया, मतलब कुछ भी पता नहीं चला। हमने बात तो की लेकिन किस बारे में ये आपको पता नहीं है। वैसे भी हमारी लव स्टोरी का कोई अच्छा फ्लैशबैक तो नहीं। फिर स्टूपिड फ्लैशबैक है। स्टूपिड फ्लैशबैक है। That is the answer. Sir. आधा घंटा लेट हो। घुंघराले बाल, आंखों में काजल, होठों पे लाली और उस पर ये स्कर्ट। इतनी तैयारी करके आने में आधा घंटा क्या, एक घंटा भी लग सकता है। सर, हाँ? आज इसका बर्थडे है सर। Come in. स्वीट्स? मुझे शुगर है। लगता है मुझे स्वीट्स खिलाकर जान लेगी। इन सब में बांट दो जाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। अब घर जाकर आराम से देखना। अरे 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 तुम लोग मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे राउंड अप क्यों कर रही हो? ए, ये सब क्या है? हाँ हाँ ये है कौन जिसे देखकर दिल में लहर सी उठी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लता को गिफ्ट दोगे? क्यों, अच्छा नहीं लगा? बाहर में जाए गिफ्ट, जिसकी एंगेजमेंट हो जाती है उसे गिफ्ट कौन देता है? क्या कहा, इसकी एंगेजमेंट हो गई? तुम लड़कियाँ एंगेजमेंट कर लेती हो और बर्थडे पार्टीज में हाफ स्कर्ट में डांस करती हो। इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सिंगल है और कौन एंगेज्ड है, किसकी शादी हो गई है और कौन डिवोर्स्ड है? कितना मुश्किल है, कैसे पता चलेगा? हम नहीं बताएंगे, प्रिंसिपल सर बताएंगे तुम्हें अच्छे से। चलो यहाँ से। हेलो 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 हेलो, वन सेकंड। अगर आप सबको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी फ्रेंड से बोलो कि मुझे गिफ्ट दे दे, हिसाब बराबर। सामने वाले को बेवकूफ साबित करके खुद को हीरो साबित करना चाहते हो? ओके ओके, वन मिनट। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, ठीक है? आई एम सॉरी। अब तुम सॉरी क्लास में बोलोगे। आई एम सॉरी। सब समझ गए ना? आइंदा किसी ने अगर लता की तरफ देखा भी तो अच्छा नहीं होगा। सॉरी। दोस्त, गिफ्ट तो मैंने लता को दिया था। हाँ? तो इसके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्यों नहीं बजेंगे, लता की एंगेजमेंट हुई है ना, वो इसके भाई से ही हुई है। हाँ? लता, क्यों, लता से क्या काम है? कल जो तुम लोगों ने मेरी क्लास ली है तो लता को लेकर मेरी फीलिंग्स बदल गई हैं। एक दिन में इतना चेंज, दाल में कुछ काला है। एक दिन में तो कैलेंडर की डेट भी बदल जाती है, तो क्या मैं नहीं बदल सकता? बताओ। हेलो, यकीन नहीं हुआ? देखो मैं राखी लेकर आया। उससे कहो कि बांध दे, पीछा तो छूटेगा। यस। ओके ओके, हैप्पी? अब यकीन हो गया? ओके। कम, एक्सक्यूज मी, नॉट यू, यू मी? या मैंने तुम्हें एक मेल किया है, क्या तुम उसे पढ़कर रिप्लाई दे सकती हो? मेल का? आई लव यू। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? लता, मैं तुम्हारा कौन हूँ? भैया। तो ये तुम्हारी कौन हुई? भाभी। मुझे तुम्हारी भाभी बहुत पसंद है। इडियट, स्टूपिड, फूल, इतनी गालियां दे रही हूँ अभी यही खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लगती है प्यारा, क्या है इसकी अदा, अच्छा लगता है गुस्सा ये तेरा,
मुड़ के देखो जरा, मुड़ के इधर देखो बेबे, जरा सा तू देख ले, मैं हूँ तेरा सुन बेबे, नाच ले तू संग बेबे। हाय 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 इतराए, हाय हाय देखो जिया घबराए। मर्जी की बात बोलो, आजा फुटबॉल खेले गोल करे, हम सुपर सिक्सर मारे सेंचुरी में रन जोड़े, क्रिकेट खेले आजा हम डांस कर ले, थोड़ा रोमांस कर ले, मजे ले ले, थोड़ा धमाल करे, थोड़ा कमाल करे, आजा खेले। धक 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 धड़के दिल हमारा धड़के हाय, चैन चुराए नींद ना आए, धड़कन बढ़ती जाए मेरी चैन मुझे ना। अरे क्या मस्त गुस्सा करती हो। आशिक जाना मैं हूँ परवाना, तेरा रास्ता तकता, मैं तेरी याद में जागूं, तेरे पीछे भागूं, आशिक तेरा मैं तेरे ख्वाब सजाऊं, मैं तेरी धुन गाऊं, जोड़े रिश्ता सब बोले मुझको पागल, पर मैं हूँ तेरा घायल, तू है फरिश्ता। हाँ, सुन मेरी जाना, मैं परवाना दिल दीवाना, ये नजराना दिल की मर्जी, सुन बेदर्दी दिल की मर्जी, प्रॉब्लम है दिल की। अरे वाह 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 वाह। हे वो देख लता। हाँ? ए शुरू करना, अरे शुरू करना, अरे फैन शुरू कर। कर रहा हूँ। कुछ चली गई वो। अरे देख देख जा रही हूँ। अभी तो शुरू कर। अरे शुरू करना। हे क्या ये वायर तुम्हारी है? हाँ हमारी है, तुम्हें इससे क्या? जरा संभल कर इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें करंट भी है। क्यों मनोहर, बड़े हीरो बन रहे हो? कल तक तो तुम खुद उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। आज क्या हुआ, अंदर का भाई जाग गया क्या? कूल मैन। ए वो तो तुम्हारी बहन बन चुकी है ना, तो हमारे भैया के लिए सेट कर दो उसे। कर देगा जरूर कर देगा। डूड बॉडी में इतनी हड्डियां होने के बावजूद हम ब्रेन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ भी करने या बोलने से पहले हमें सोच समझ कर अपनी जुबान खोलनी चाहिए, समझे? ओके सो बेटर थिंक बिफोर यू टॉक। ए क्या डायलॉग था, जरा ताली तो बजाओ, मारो इसे। आ जाओ, चलो 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 पकड़ो। Thank you.
चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक 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 जा। अरे इडियट, वो नीचे है। स्टूपिड फूल। बच नहीं पाएगा, रुक जा। ए, चलो पकड़ो जल्दी पकड़ो। अच्छा अच्छा छोड़ना नहीं। बोले क्या हुआ? तुम लोगों को लगा कि तुम मुझे भगा रहे हो और मैं थक जाऊंगा? नहीं, तुम गलत थे। पकड़ो 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 पकड़ो। सर, ये मनोहर कॉलेज में गुंडागर्दी कर रहा है सर। लड़कियों को टीज करना, लड़कों के साथ फाइटिंग, इसे तुरंत सस्पेंड कर दीजिए। देखो बेटा, किसी भी फिल्म के बीच में उसका क्लाइमैक्स नहीं होता। बिल्कुल सही कहा सर। इनफैक्ट ये हमेशा कंफ्यूज रहती है सर। वो लोग मुझे मार रहे थे और इसे लगता है कि मैं उन्हें मार रहा हूं। कंफ्यूजन? किस तरह का कंफ्यूजन? तुम्हें उन्हें मारते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। सर, मारने वाला मारता है या भागता है? एब्सोल्युटली मारता है। मारता है ना, तो ये बताइए मार कौन रहा था? वो लोग। तुमने तो कहा मैं मार रहा था। नहीं, तुम्हें सबको मार रहे थे। सर, ये लड़की तो अब भी कंफ्यूज लग रही है। अच्छा ये बताओ, मैं उनके आगे था या उनके पीछे था? आगे। वाह, तो फिर ऐसे में मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? जो पीछे है वही मारेगा ना? लॉजिक है। सर, ये मनोहर आपको बेवकूफ बना रहा है। सर, इतने बड़े कॉलेज के इतने बड़े प्रिंसिपल को मेरे सामने ये लड़की बेवकूफ कह रही है? यू आर सस्पेंडेड। आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते, मैं ही कॉलेज छोड़ रही हूँ। बकवास कॉलेज। बस वही उसे आखिरी बार देखा था। इतने सालों बाद अब जाकर मैं उससे मिला हूँ, इसीलिए अब भी वो मुझे पागल ही समझती है। डोंट वरी ब्रदर, एक दिन आएगा जब यही लड़की कहेगी कि तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। एक बात बताओ, तुम तो बहुत बिंदास हुआ करते थे, आज अचानक साइलेंट क्यों हो गए? अब्बास भाई, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। ओके। चलो मिल गया बकरा। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या डोला है, क्या बॉडी है। हमारी कंपनी में डेविड से बढ़िया बॉडी किसी की नहीं है। कुछ भी मत बोल, इससे भी बढ़िया है, लगाओ 1000 की शर्त। इसके अलावा और कोई नहीं है, 5000 की शर्त। 5000 का क्या रोप दिखा रहा है, मेरी तरफ से 10000 की। इसके साथ क्या शर्त लगाते हो? मुझे हराने वाले को मैं खुद ही इनाम में 10000 दूंगा। इस कंपनी में मुझे हराने वाला कोई नहीं है क्या, या सब मुझसे डर गए? डर गए? इस बार 10000 नहीं बल्कि 1,00,000 दूंगा। आ जाओ, जाओ किसे में दम है तो आकर मुकाबला करो। मनोहर, सर, मनोहर, मनोहर।
ये तो होना ही था। एक्सक्यूज मी सर। या आपने मुझे बुलाया? प्लीज सिट। से मिस्टर मनोहर, इस बार हम अपनी कंपनी की एनुअल पार्टी प्लान कर रहे हैं। ओके। हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है सर, हर साल हम इस पार्टी की जिम्मेदारी एक फ्रेशर के हाथों में देते हैं। ओके सर। सो इस बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, व्हाट डू यू से? श्योर सर, इट्स माय प्लेजर, मैं संभालूंगा। दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू सर, गुड लक, सी यू सर। मनोहर क्या हुआ, इतना डीपली क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस कंपनी की एनुअल पार्टी। क्या कहा? सो एनुअल पार्टी? हाँ सर, वो एनुअल पार्टी। मैं समझ गया, सारे एम्प्लॉइज बहुत मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ सर। और एक बात, एम्प्लॉइज ही नहीं, हमें भी तो रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत होती है। हाँ सर। पार्टी इज ओके, ओके, बट देयर इज वन प्रॉब्लम। क्या सर? इस वक्त मैरिज सीजन चल रहा है ना। हाँ। तो पार्टी के लिए हॉल मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। गुड इवनिंग सर। मेरे पास एक आइडिया है सर। तो बताओ। हॉल के बारे में सोचना टाइम वेस्ट होगा और बहुत कॉस्टली भी होगा। ओके, क्यों ना पार्टी हमारी बिल्डिंग के टेरेस पर की जाए। हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर? सर फैंटास्टिक आइडिया, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं सर, बट क्या शंकर नारायण मान जाएगा? डोंट वरी सर, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी मेरी। ओ रियली? हाँ सर। दैट्स ओके, लेट्स हैव पार्टी। हाँ ओके। मनोहर वेलकम सर। हाउ आर यू? गुड सर। गुड गुड, नाइस। हाय मनोहर, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या बात है, अच्छा हमारा इंतजाम कहाँ है? वो वहाँ उस तरफ। अच्छा, उस तरफ। ओके। हेलो हेलो, तैयारी तो बड़ी अच्छी की है। बोतल तो है ना, फुल बोतल पूरी पी। बिल्कुल। हाय मनोहर सर, कैसे हो? ठीक हूँ सर। सर अरेंजमेंट ओके है ना सर? ओके सर, एक पग लेंगे ना सर। ए सुनो, हाय कैसे हो? बढ़िया पार्टी है देखना किसी। थैंक यू। हाय ब्रो, हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंजॉय करो। थैंक्स। और कैसे हो? हाँ ये सब अरेंजमेंट तुमने ही करवाया? हाँ सर। जाइए, क्या मुसीबत। हाय हैंडसम। अरे ये क्या, यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स बना कर रखे? क्या सर, इस तरह से ग्रुप बनाकर क्यों खड़े हैं? साथ आइए, मिलकर पार्टी करते हैं। आइए। नाइस। इसका टेस्ट कितना अजीब है, नया ब्रांड है क्या? हाँ वो थम्सअप है, तुम्हें जो चाहिए वो उसमें नहीं इसमें है। पहले बता दिया होता ना तो मैं बेवजह बेवकूफ नहीं बनता। मनोहर के दोस्त? या मुंबई से हो? या प्रोड्यूसर? तुम वही हो ना? वही हो ना? वही सर, मैं आपका ही वेट कर रहा था, हमारी फिल्म ओपन होती है। बढ़िया है। उसके बाद कहाँ गई? चीयर्स। चीयर्स मनोहर। हेलो सर। हाँ पार्टी तुमने अच्छे से अरेंज किया। थैंक यू सर। तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। जान जा करो। हे ड्राइवर। हाँ सर। एंजॉय करो अच्छे से। ओके सर। अच्छा सुनो, बॉस ने कंधे पे हाथ रख दिया, ये मत समझना कि प्रमोशन हो जाएगा। नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। अरे 10 साल से हम भी काम कर रहे हैं, तुम तो कल ही आए हो बेटा। सुरेश जी, प्रमोशन हाथ रखने से नहीं, स्मार्ट वर्क से मिलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड वर्क इज अ हाईवे फॉर सक्सेस। वो सब पहले होता था, लेकिन अब स्मार्ट लोग ही सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हैं। अच्छा अब समझा, सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। समझ गया सर, बाय। ओके, बातों बातों में पूरी नीट ही पी गया मैं। अरे ये तो यहीं खड़ा है, अंदर ही पी लेता हूँ। दप्पा सर, आप यहाँ है? और कार में ब्लास्ट, अब कहाँ चले गए? अब
प्रोड्यूसर विल बी इन टच ओह या श्योर आई हैव टू गो नाउ ओके ओके प्लीज कैरी ऑन सारी अरेंजमेंट्स पहले ही हो गई थी पार्टी तो अच्छी है पर ठीक है बाद में मिलते हैं सी यू चलो हाँ कोई नहीं थैंक्स हेलो हाय एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स इस खुशी के मौके पर कंपनी के बेस्ट परफॉर्मर को अवार्ड देना चाहता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सारे यहाँ आ जाइए मिश्रती कम यहाँ हे हैंसम ये अवार्ड तुम्हारा ही है रति हमारी सनटेक कंपनी का बेस्ट परफॉर्म अवार्ड गोज टू मिस्टर मनोहर बंद करो ये बकवास कौन है एमडी ये अवार्ड मेरा है सिर्फ मेरा बकवास बंद व्हाट इज दिस नॉनसेंस आई से चल ये अवार्ड मुझे दे ये अवार्ड तुम्हारा नहीं किसी मनोहर का है मैं ही मनोहर हूँ ये अवार्ड मुझे दो मेरा ही अवार्ड है ये चल What's going on? I don't know sir it's really ये अवार्ड बाद में देना ही बेहतर होगा Yes you're right मुझे अवार्ड hey, driver, shut up. चलो चलो मेरा अवार्ड मुझे दो जल्दी छोड़ूंगा नहीं किसी को इनकी तो अरे 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 मेरा अवार्ड मार्क लग रहे हो अरे ये अरे बमिया है तो ड्राइवर टेक योर सीट हमारे सारे क्लाइंट्स ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है और इस मामले को लेकर हमें काम करना ही होगा तो आप दोनों एक हफ्ते के लिए डे टाइम में आकर काम करेंगे डे टाइम ये मुझसे नहीं होगा सर क्यों नहीं होगा हैं बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है अरे तुम बैचलर हो इसके अलावा तुम हमारी कंपनी में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हो तुम आ रहे हो मैंने कह दिया इट्स माय ऑर्डर सर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सर ये है कि नो 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 डोंट टेल मी एनीथिंग यू आर कमिंग दैट्स माय ऑर्डर दैट्स ऑल ओके सर ओके सर अरे ये क्या कर रहे हो चलो बताओ क्या हुआ मुझे टेंशन हो रही है कुछ नहीं नाइट शिफ्ट वाली कंपनी ने एक हफ्ता डे शिफ्ट करने के लिए बोला है मतलब इन दोनों कंपनियों में तुम्हें एक ही टाइम पे जाना होगा सही कहा जरा इसे पकड़ना अब तो गया कितने बजे हैं हाँ वो दरअसल तुम्हारी बुक्स में जल्दी आना तो लिखा नहीं आज लेट आए हो तो कौन सी बड़ी बात है ठीक है कम ऑन कितना मटक मटक कर चलती है Thank you.
जाओ जाकर उस कोने वाली डेस्क पर बैठो। जाओ गो। अच्छा हुआ प्लान कामयाब हो गया। मनोहर मनोहर कहाँ गया होगा? वॉशरूम हर जगह देखा मैंने, मतलब वॉशरूम में भी देखा था। स्मोक कर रहा हूँ। क्यों? स्मोक करना भी मना है क्या? वैसे भी ये स्मोकिंग जोन है। बच गया। बाल बचाऊं। अरे ये कीबोर्ड है या कोई खिलौना? क्या काम है ये बताओ। वो दरअसल मुझे भूख लगी थी, मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, साथ आओगे तो मुझे कोई हर्ज नहीं। शीला को लेकर टेंशन लेना चाहिए या खुश होना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होगा, बस कुछ गड़बड़ ना हो। यस मैडम। ये मनोहर यहाँ पर। टू सैंडविचेस। ये लीजिए। कहाँ? वहाँ बैठ जाइए।
ये लड़की कौन है? मतलब गर्लफ्रेंड है। अरे शर्मा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, ये तो हमारे सुरेश साहब की मेहरबानी है। मनोहर कम यो। दिखाना आपने, मेरे बिना एक मिनट भी रहा नहीं जा रहा है। मैं आता हूँ। आन गए, क्या बात है। तुम वहाँ जाकर क्यों बैठ गए? तुम उन्हें जानते हो क्या? तुम्हारे बगल में बैठने के बाद तुम कुछ उल्टा सीधा ना सोचने लग जाओ, इसलिए मैं वहाँ जाकर बैठा था। उन्होंने भी वही पूछा। तो तुमने क्या कहा? मैं भी यही सोच रहा था कि क्या कहूँ, तभी तुमने मुझे बुला लिया। थैंक्स। मैं चलता हूँ। अरे बापरे, बच गया। हमेशा मजाक करते रहते हो, मुझे लगा तुम्हारा बचपना है, पर तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। दो कंपनीज को बेवकूफ बना रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के दौर में मेरे लिए ये कंपनीज नहीं, सिर्फ मेरा लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। इस मासूम चेहरे के पीछे इतना दर्द छिपा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और तुम अच्छाई को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम मुझे अपने साथ पाओगे। हेलो। हाय मनोहर। हाय शीला। तुम्हारे मेल का रिप्लाई दिया है मैंने, देख लेना। मेरे मेल का रिप्लाई? या कौन सा मेल? चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा। बाय। ठीक है, ओके। मैंने इसे कौन सा मेल किया, देखूं तो। आई लव यू। यस यस यस। मेरे दिल की धड़कन बोले, तू मेरी धड़कन होले, तू दिल मुझे अपना दे दे और मेरा दिल तू ले ले। ये दिल मेरा मांगे प्यार तेरा, ये दिल मेरा हो गया है तेरा तेरा। अरे रे अरे दीवाने हो गए, अरे रे अरे परवाने हो गए, अरे रे अरे हम दोनों खो गए, अरे रे अरे मस्ताने हो गए। तू बस गया दिल में मेरे, मैं पागल प्यार में तेरे, मैं तेरी राह निहारू, तू आ जा साथी मेरे। तेरे बिना अब कैसे रहूं, तन्हाई ये कैसे सहूं, मैं कैसे संभालूं दिल को। सुनो जरा दिल की सदा,
तुझको दिल ये चाहे साथ तेरा अरे रे अरे सांसें है तेरी धड़कन है तेरी मेरी हर चीज तेरी मेरी हर एक चीज तेरी बसंत की चली है ये हवा तेरे ही संग दीवाने हो गए अरे रे हरे परवाने हो गए अरे रे हरे हम दोनों खो गए अरे रे हरे मस्ताने हो गए। सर गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है बैठ जा। सर मैं रामू हूँ बैंक एग्जीक्यूटिव। यस आई नो टेल मी। सर हमारे बैंक ने ऑफर शुरू किया है। क्या है? अगर आपके सारे सैलरी अकाउंट्स हमारे बैंक के साथ टाई अप करते हैं तो हम सारे एम्प्लॉइज को डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड भी फ्री दे देंगे। अच्छा ये बात। यस सर। ये बताओ कि इसमें मेरा क्या फायदा है? अब आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ सर। इस क्रेडिट कार्ड से आपके एम्प्लॉइज को नहीं आपको फायदा होगा सर। मुझे? कोई चाहे कितना भी बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो सर, महीने की सैलरी पूरी नहीं पड़ती। एक तारीख को सैलरी आती है और 21 तक खत्म हो जाती है तो लोग कंपनी बदलने की सोचने लगते हैं। ऐसे वक्त पर अगर ये क्रेडिट कार्ड हो तो बाकी के 10 दिन इसे स्वाइप करके शॉपिंग पे शॉपिंग करते रहते हैं। अब हम तो ऐसे या वैसे उनकी सैलरी से पैसे काट ही लेते हैं, तो आप सोचिए ना इसमें फायदा किसका हुआ। ठीक है रामू। सर थैंक यू सर। ऑटो ऑटो ऑटो। हाय मैडम आप यहाँ कैसे? शॉपिंग करने आई थी, वो मेरी कार खराब हो गई है। ओह लगता है मेरे लिए ही हुई है। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो मैं कंपनी की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर सकता हूँ। नो नो इट्स ओके। प्लीज मैडम आइए ना बैठिए। आइए बैठ जाइए ना मैडम। क्या है? नो प्लीज मैडम मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। अच्छा कार में कोई नहीं है? आज कोई पिकअप नहीं है? पिकअप ना है ना मैडम? नहीं है मैडम, नहीं है पिकअप नहीं है। विनायक मैडम बोलिए बोलिए। क्या बात है कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं नो प्रॉब्लम मैडम। एक है लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझसे भी नहीं? मैडम एक्चुअली आपसे भी नहीं। विनायक ओ विनायक अब उनकी हालत कैसी है डॉक्टर? ओके 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 डू यू सी द इम्प्रूवमेंट? ठीक है मैं आकर मिलता हूँ। ओके डॉक्टर ओके। अब क्या होगा? सर अब एक्चुअली मैडम ने लिफ्ट के लिए पूछा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ओह सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप दो दो कंपनीज में काम करते हैं। दरअसल वो इनफ। उस दिन उस लूनार कंपनी के लड़की के साथ जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे डाउट हो गया था। वही कंफर्म करने के लिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी। Thank you.
इसी में भी तुम्हें पसीना आ रहा है, कल ऑफिस में मिलते हैं। पता नहीं क्या कहेगा। सुन बाहर आ। अरे तेरी तो सॉरी सर। चल जा। सर सर हाय। मनोहर एनी प्रॉब्लम? नो कुछ नहीं, नथिंग। कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ शेयर करने के लिए, तुम मुझे बता सकते हो। अरे दुखी क्यों होती हो डार्लिंग, इस बार प्रमोशन पक्का है। कसम खाओ। मेरे मरे हुए ससुर की कसम। हाँ? झूठी कसम खा खा कर आपने उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। तो नहीं मानोगी, ठीक है मैं इस सतपाल की कसम खाकर कहता हूँ। सर खाना और चाहिए तो ला कर देता हूँ, पर मेरी झूठी कसम मत खाइए। जब भी इसे देखता हूँ हाथों में खुजली होती है। ए, दिन में सपने देखना बंद कर। अरे भाई तुझसे एक आइडिया चाहिए था। कहते हैं इंसान को लालच कम होना चाहिए, वरना जितना पाया है वो सब खोता है। तुझसे आइडिया मांग रहा हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना, समझ गया ना? सर जो मुझे पता नहीं है वो पूछे ही मत, मेरे पास और भी काम है। 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, हर कोई मेरी ही बैंड बजाता है। क्या बात है ड्राइवर साहब, इतने डिप्रेशन में क्यों हो, क्या हुआ है? अरे दरअसल बात ये, मेरे भाई इसकी बीवी ने इसे बकेट से मारा, इस पर ये मेरे 1000। अरे कुछ भी बकवास मत कर, इसे बकेट से नहीं झाड़ू से मारा है। हा? ये रही 2000 की शर्त। अरे कोई सुन लेगा तो तुम्हारी बातों को सच मान लेगा। एक तो मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ऊपर से तुम मेरे कपड़े उतार रहे हो। अगर कोई सेटिंग है तो कर दो ना दोस्तों। हम क्या ब्रोकर लगते हैं क्या? मैंने कब कहा, मैं तो तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। किस लिए? तुम्हारे प्रमोशन के लिए। सुनो अगर हम इसे प्रमोशन के लिए हेल्प करेंगे तो ये हमें 10,000 देगा, शर्त लगाओ। मेरी शर्त 15,000 की। ए, मैं 25,000 दूंगा, मेरी मदद कर दो। तुम्हारा काम हो जाएगा। छोटे बड़े। बाप रे बाप, इन दोनों की जोड़ी को देखकर लगता है कि ये दोनों तो पैदाइशी दुश्मन हैं। इनकी दुश्मनी के बारे में सुनकर सभी पागल हो जाएंगे। ए, चलो यहाँ अंदर आओ। आओ कहाँ ना? क्या तुम हम दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हो? नहीं 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 नहीं। छोटे। हाँ बड़े। छोड़ना मत इनको। जाओ जाओ। तो बोलो अक्कल ठिकाने आए। इसका हाथ टूट गया, इस पर 1000 की शर्त। तेरे पैर टूटने पर 2000 की शर्त। मतलब ये तुम हमारे बारे में अच्छे से जानते हो? 10 साल से देखते आ रहा हूँ, अगली बारी बैटिंग की बात की ना वो भी नहीं रहेगा। मनोहर MD साहब बुला रहे हैं, उनके साथ और भी कोई है क्या? है ना, रति भी है। रति, दिस इज ऑफिस। सो व्हाट, तुम्हारी लगाम मेरे हाथों में है, भूल गए तुम? दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम, इट्स रॉन्ग। नथिंग रॉन्ग इन इट। रति, गुड मॉर्निंग। मनोहर, आई डोंट अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग सर। रति, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। मनोहर, नो प्लीज, नो। Okay, I'll call you later.
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने मनोहर को प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स दे दिए हैं। अगर इसे कोई डाउट है तो मेरे घर आ सकता है, नो प्रॉब्लम। दैट इज द स्पिरिट। थैंक यू। सो मिस्टर मनोहर, यस सर, फॉलो रति। ओके सर, एंड गेट अपडेटेड। ओके ओके। आओ, आज रात तुम मेरे घर आ रहे हो। अगर लेट हो गए तो कल से ऑफिस नहीं आ सकते। चाहे तुम कपड़े पहनो या ना पहनो कोई बात नहीं, पर चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। चलती हूँ। नो। आखिर इस रति की प्रॉब्लम क्या है? ऐसे बड़े बड़े सवालों का मुझ जैसा बच्चा कैसे जवाब देगा? अच्छा तो तुम छोटे बच्चे हो, कब से छोटे बन गए? हाँ बताओ मुझे, बताओ। अरे मेरा बेटा, आम खाओगे आम? ये भला बच्चा लग रहा है। देखा, हमने सिर्फ एक ही रात गुजारी और तुम्हें प्यार हो गया। That's रति। You cheat? मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया? देखो रति, फीलिंग सिर्फ औरतों को ही नहीं, हम मर्दों को भी होती है। वैसे भी तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि एक मर्द को चुना है। तुम नशे में थी, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। रति,
रति तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सच में कुछ नहीं हुआ, प्रॉमिस। लगता है ये कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा है। क्यों मेरे भाई, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है तू। बाहर में क्या इमोशन, इतने अच्छे मौके को ऐसे ही गवा दिया। सच में? हाँ। चाकू कहाँ है? नहीं नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस कम इन। सर इस फाइल को देखिए। इसे देखिए सर, इसे भी देखिए सर। ये आदमी तो एक ही है सर, लेकिन ये दोनों कंपनी में काम करके दोनों जगह से सैलरी ले रहा है सर। ये इल्लीगल है सर। सही कहा, ये आदमी तो दोनों कंपनीज में काम करके हमारे बैंक को चीट कर रहा है। यस सर। ओके, इट्स इल्लीगल। आई विल टेक केयर। ओके सर। हम कॉर्पोरेट वालों को सिर्फ दो ही तो दिन मिलते हैं, सैटरडे और संडे, वो भी आप लोग बिजनेस के लिए ले लेंगे तो क्या होगा। इनका सैटरडे वर्किंग डे, इसलिए हमें डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ बुलाया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर? एक ही आदमी हमारी बैंक अकाउंट से दो दो सैलरी विड्रॉ कर रहा है। अब मेरा शॉट देखो। I missed it. अरे कुछ भी हो जाए, बस मनोहर के पास नहीं जाना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? No, no, मनोहर। What is this? मेरे पास सुनो सर। You shut up. तुम बताओ। सर वो। Tell me. बड़ी बिल्डिंग बना लेने से इंसान बड़ा नहीं बन जाता, दरअसल उसका दिल बड़ा होना चाहिए। ओके, आई विल चेक एंड कॉल यू बैक। वन मिनट सर, आई विल कॉल यू। Excuse me. Yes, ma'am. मेरी चेयर। I don't know, ma'am. मेरी चेयर यहाँ पर थी। Sorry, ma'am. सलमा। सर, मेरी चेयर यहाँ से किसी ने हटा दी। मैंने ही हटा दी। ये तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर है। सर? अगर तुम अपनी इस हालत में इसी तरह काम करोगी तो मुझे अपनी कंपनी में ताले लगाने पड़ेंगे। आज के इस दौर में हम टारगेट हासिल करने के लिए मर रहे हैं और तुम यहाँ आराम से इस तरह काम कर रही हो। बात वो नहीं है सर, दरअसल मैं। I can see that. पर ये हमारी कंपनी में नहीं चलेगा। You can move now. सर, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं इस हालत में भी काम कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है सर। बकवास। अगर औकात नहीं है तो फिर बच्चे क्यों पैदा करती हो? Get lost. मिस्टर लंकेश। What is this? राजाराम, तुम बस टीम लीडर हो, इस बहस में पड़ोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। कैसी बहस? जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है तो वो तुम्हारे लिए बेकार हो जाती है। Of course. इंसान की जितनी चादर हो उसे पैर उतने ही फैलाने चाहिए, इसे ही बिजनेस कहते हैं। देखो, वस्तु बेचने का मतलब होता है बिजनेस, और इंसान का इंसान की कदर करना है संस्कार, और जो तुम में बिल्कुल नहीं है। राजाराम, बकवास कर रहे हो।
क्या तुम इस कंपनी के ऑनर हो? तुम यहाँ अपने दम पर पैसे लगाकर और यहाँ पर दिन रात मेहनत करके बड़े बड़े क्लाइंट हासिल करो, फिर तुम जो कहोगे मानूंगा मैं। लेकिन अगर ऐसी बकवास की तुमने तो तुम्हें भी मुझे इस कंपनी से निकालना पड़ेगा, बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इतने साल इस कंपनी में काम करने के बाद तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। तुमने जो कहा वो मैं करके दिखाऊंगा। आओ जाओ जाओ, मैं भी तुम्हें देख लूंगा। मिस्टर लंकेश, बेसिकली इंसान दो तरह के होते हैं, एक जो देखता है, दूसरा जो करता है। तुम सिर्फ देखते रहना और मैं तेरी तो सर चाय लीजिए सर। थैंक यू। सर इमोशनली हम बाहर तो आ गए, पर अब करेंगे क्या? कंपनी खोलेंगे जिसे ज्वाइन करने के लिए सबको इन्वेस्ट करना होगा, पैसा नहीं, अपना टैलेंट, अपनी मेहनत। इसमें सैलरीज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, तब जाकर हमें मेहनत का फल मिलेगा। और सभी खुद की कंपनी समझकर ज्यादा मेहनत करेंगे। सभी कंपनीज ऐसे ही बड़ी होती हैं, और लंकेश जैसे आदमी को हम सब मिलकर सबक सिखा सकते हैं। यू आर ऑल विद मी? यस सर। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयत्न जो करते हैं बदलते हैं, प्रयत्न जो न करते हैं मुर्दे। जब से निकला हूँ घर से सफर में, सैर करता हुआ मंजिलों की, रास्ते कितने गुजरे उनकी परवाह नहीं, चलता ही जाता हूँ एवरेस्ट को छोलू। पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। मिल रही गहरी जल में उथली में रहा ना पाए, धन के सागर से ये मानव खुशियाँ पाए। सूर्य की ये किरणें दूर करे जग अधियारा, प्रेम की ये मोती बनते मन की माला। हे किस्मत की बंद मुट्ठी खुलती है जब जहाँ, होती है खुशियाँ सारी सब वहाँ। जिसमें साहस है उसको मिलती है मंजिले, सब ब्रह्मांड की शक्ति होती है उसके करीब। पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। छनाना छनाना खुशियाँ छाए, छनाना छनाना पुष्पा बरसे, साधना के इन छाओ में साहस मन मोदित हर से। हाँ हाय मनोहर, हाउ आर यू? अगर तुम उसका साथ छोड़ दो तो तुम्हें आज के मुकाबले दो गुना सैलरी दूंगा मैं, तीन गुना। मैं आपके साथ काम करूंगा तो आप मुझे सिर्फ सैलरी देंगे, पर राजाराम जी तो जिंदगी देंगे। मन में था ना उसने वो करके माना, जो भी चाहा सब कर डाला।
थानो अपने सब धन पढ़ पालो, हर बात बने दिल में जो थानो। समय की बात है यारो सब कुछ पालो, ये समय नहीं हर दम मिलता। दिल में जो हिम्मत है सब कुछ पालो, संकल्प दिल में शक्ति भर दे। मिलती भी जय उसी को जो संकल्प करते हिम्मत करते अपने पथ में बढ़ते। मिलती जीत उसी को जो संघर्ष करते धीरज धरते मुश्किल में डरते ना। Practice makes man perfect. पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। पग पग में बोले है मेरी साधना, पल पल में मिलती है खुशियों की सूचना। पेशेंट के रिश्तेदार? मैं ही हूँ सर। ओके, आपको एक बात बतानी है। पेशेंट की बॉडी में बहुत फ्रैक्चर्स हुए हैं, ट्रीटमेंट काफी महंगी होगी। उनके अकाउंट में काफी पैसे हैं सर, चिंता मत कीजिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उनके अकाउंट पर जो भी पैसे थे वो इस एक्सीडेंट में जो भी शिकार हुए हैं उन्हें कंपनसेशन में दिए हैं, और अब उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी। क्या मैं उनसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? श्योर। ऐसा क्यों किया आपने? कंपनी का मतलब सिर्फ बिजनेस करना ही नहीं बल्कि साथ निभाना भी होता है। उनके कहे हुए शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। बड़ी बिल्डिंग बना लेने से इंसान बड़ा नहीं बन जाता, दरअसल उसका दिल बड़ा होना चाहिए। I like it.
I like it very much. Sir, मनोहर आपसे मिलने आया है. I'll call you back. Okay. सर, हमारी कंपनी में एक एक्सीडेंट. पता है राजा राम जी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है सर. इस वक्त बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर. प्लीज मेरी मदद कीजिए. आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा. अबे आज तुझे देखने पर एक चुटकुला याद आता है मुझे. एक घना जंगल था, उसमें एक शेर था और वो हर रोज एक शिकार जरूर करता था. एक दिन उसके सामने एक खरगोश आ गया. तब वो खरगोश किसी भी तरह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जितने भी जानवर थे उन सब की मदद मांगने लगा. लेकिन मदद किसी ने नहीं की. बस एक लोमड़ी ने उसे एक सलाह दी. एक शेर का मुकाबला सिर्फ एक शेर ही कर सकता है. और इसके बाद इस छोटे से खरगोश ने दूसरे शेर की तलाश शुरू कर दी. उसे दूसरा शेर मिला भी. तब उस खरगोश ने उससे अपनी सारी परेशानी बताई. उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे शेर महाराज, मुझे उस दूसरे शेर के चंगुल से बचा लीजिए. जवाब में शेर ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा और तुम्हें घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है. खरगोश ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और खरगोश वापस जाने लगा. तभी शेर ने उसे दबोच लिया और उसे खा गया. पता ऐसा क्यों हुआ? अरे बेवकूफ इंसान, क्योंकि जंगल में सिर्फ एक ही शेर था. यस, मैं ही हूं जिसने वो एक्सीडेंट करवाया. Come out! क्या इंस्टॉलमेंट में बिल पे करोगे? हाँ डॉक्टर, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए. प्लीज डॉक्टर, प्लीज. अगर सच कहूँ तो आखिरी समय में भी अपने ऑफिस के बाकी लोगों के प्रति इस महान आदमी की उदारता देखकर अगर मैंने हेल्प नहीं की तो मेरे डॉक्टर होने को कोई अर्थ नहीं रहेगा. I'll do it. Thank you, doctor. Thank you very much. Doctor, एक मिनट. आप एक छोटा सा झूठ बोल सकते हैं? झूठ बोलना है? हाँ डॉक्टर, फिलहाल उनकी जान को खतरा है. मैं चाहता हूँ उनकी ट्रीटमेंट सीक्रेटली हो. डॉक्टर के पेशे में ये सबसे जरूरी होता है कि पेशेंट की जान बचे, फिर उसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े. थैंक यू डॉक्टर. ऑल राइट. ऐसे मौके पर हर कोई गलती करता है सर, और यही मेरे दोस्त ने किया. पर उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है. आपकी कंपनी को ऊपर पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम किया है इसने. इसका गवाह मैं हूं. देखो मनोहर, ऐसा लगता है आज के दौर में अच्छाई मर चुकी है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि वो अच्छाई आज भी तुम में मौजूद है. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. मनोहर का है वहां लास्ट केबिन. मिस्टर मनोहर. यस. आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा. अरेस्ट हिम. व्हाट्स हैपनिंग हियर? हम लेबर ऑफिसर्स हैं. हमें पता चला है कि दो दो कंपनियों में एक साथ काम करता है. हमें इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा. वन सेकंड. डन पानी जी.
यही चाहिए। यस कम चलिए सर, प्लीज चेक दिस। नहीं समझे क्या? वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हम दोनों की कंपनी का शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर? शेयर होल्डर? एक आदमी का दो कंपनी में काम करना गुनाह हो सकता है, लेकिन दो कंपनी का शेयर होल्डर होना नहीं। सर सर ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। आपको इस बारे में जो कहना है कोर्ट में आके कहिएगा। मेरी बात ले चलो इसे। सुनिए सर, Hi Manohar, how are you? Shocked? In fact, मैं भी shocked हूँ। मैंने तो बस यूं ही तुम्हारे खिलाफ जांच शुरू करवाई, मुझे तुम्हारा दोस्त मिला। तुम्हारी सारी कहानी उसी ने बताई। It's very interesting. ऊपर नीचे day night, what a fun! Enough. आज से तेरा खेल खत्म, राजा राम खत्म। तुम्हें देखकर मुझे वो तुम्हारी बताई हुई कहानी याद आती है। एक घना जंगल था और उस जंगल में हर दिन शेर एक नए जानवर को खाता था, और फिर एक दिन उसे खरगोश खाने की बड़ी इच्छा हुई। तब ताजे मोटे खरगोश को देखकर शेर बहुत खुश हुआ, उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। नजदीक जाने के बाद खरगोश के रूप में छुपे शिकारी ने शेर को छुरा भोंकर वहीं मार दिया। तेरी तो, अरे ओ बेवकूफ इंसान, जिस दिन तुमने बताया कि राजा राम जी के ऑफिस में हुआ शॉर्ट सर्किट तुम्ही ने प्लान किया था, उसी दिन मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन उस दिन तुम्हें मारने के बजाय मुझे राजा राम जी और ऑफिस को बचाना ज्यादा जरूरी लगा। उस दिन राजा राम जी बच गए, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक को मारना काफी नहीं था क्या? एक को नहीं, सबको भेजो, कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ? मिस हो गया? लेकिन अब नहीं होगा।
ऐसा मत कीजिए। आपकी मदद मैंने नहीं की है सर, आपके सिखाए सिद्धांत ने आपकी मदद की है। हाँ सर, मनोहर ने न सिर्फ आपकी जान बचाई बल्कि अच्छाई की मिसाल भी कायम की। कम सब निकल जाओ। गुड मॉर्निंग सर। इडियट, अगली बार अगर मैंने तुम्हें ड्यूटी पे सोते हुए देखा तो गला दबा दूंगा मैं तेरा, समझा? बी अलर्ट। नो। अरे रे अरे दीवाने हो गए, अरे रे अरे परवाने हो गए, अरे रे अरे हम दोनों खो गए, अरे रे अरे मस्ताने हो गए। तू बस गया दिल में मेरे, मैं पागल प्यार में तेरे, मैं तेरी राह निहारूं, तू आ जा साथी मेरे। अरे रे अरे दीवाने हो गए, अरे रे हरे परवाने हो गए, अरे रे हरे हम दोनों खो गए, अरे रे।